हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं शुरू कर रही हूँ खुशी की मम्मी व्लॉग। ये देखिए खुशी क्या कर रही है। अभी तक खुशी सोई हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या टाइम हो रहा है। खुशी सो रही है। खुशी कर तो सही, इसको बैक करना था। खुशी सो रही है। देखो ये रिया आ गई, खेल के अपना तांडिया खेल के आई है ना। हाँ तो फिर ये खुशी अभी तक सो रही है। देखो चल उठ जा, फट रोटी सब्जी बना ली तूने। रिया खड़ी हो रही, चल तू भी। अच्छा तूने सोना क्यों है? हाँ 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 जल्दी खड़ी हो, चल खुशी खड़ी हो, चल शक्ल दिखा अपनी। शक्ल दिखाई ना अपनी, सोया कैसे लग रही है? बड़ी मेकअप करके दिखाती रहती है सारे दिन। जरा अपना ओरिजिनल चेहरा दिखा दे। दिखा दे कैसे दिख रहा तेरा चेहरा। खड़ी रात ठंड खा ली तेरे को? बड़ी टाइम दे रही है, क्या टाइम हो बताइए जरा। सुबह के 9:30 साढ़े बारह बज रही है। तो मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी आज भी भूत के सपने से। मैंने कहा है भूतों के सपने से उठती रहती है बस, और कोई काम नहीं है। अब हमारे कमरे में सोई है तब भी इसको भूत नजर आ रहे हैं। बताओ आपके कमरे में 12:30 हो गए गाइस, सुबह के 12:30 बज गए हैं, ये अभी तक नहीं उठी है। और मैं कितनी जैसे चिल्ला रही हूँ उसको, उठ 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 खाना बना, सब्जी बनाएगी। अब तक खड़ी है, चलो चलो मैं उठाती हूँ उनको। चल रही है खड़ी हो, चल गुड नाइट। गुड नाइट क्यों, चल खड़ी हो। गुड नाइट क्या बोल रही थी अभी तो, जरा बोलियो। मुझे लगा था के सफाई करनी पड़ेगी, बट मैंने 7 बजे उठ के पहले ही करी। झूठी, तेरी माँ ही इतनी अच्छी है। मम्मी ने करी बट सफाई, बट मेरी माँ है कौन? ये खड़ी तेरे सामने ही, देख ले आंखें खोल ले। खड़ी हो चल, आंखें खोल, चल खड़ी हो जा। खड़ी हो जा, मम्मी आती तेरे सामने। मम्मी आती ना सपने में, वो बहुत फनी सीन था। और मेरे सपने में ना कोई भूत नहीं आता, मेरे सपने में एक आत्मा आती है काले रंग के, ऐसे से भटकती है। और हम सो इट्स लंच टाइम और हम खाना खा रहे हैं। कन्नू घाट पर थे, कन्नू घर पे नहीं पास पहुंच गया होगा। फ्रिज में हम लोग, अब हम लोग आ चुके हैं नीचे, बिकॉज आ जाता शहर। हम तैयार होके नीचे आ चुके हैं झांकियाँ झांकियाँ देखने के लिए। हमारे बिल्कुल शॉप के बाहर से झांकियाँ निकलती हैं। जिसने हमारा लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा होगा उसको पता होगा, दशहरा हमने लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड किया था। अब हम सारी चीज़ें दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। दशहरा एक बार दिखा चुके हैं, एक बार दशहरा निकल चुका है गाइस। तुमको ना हमारे घर की, हमारे मुल्तानी, हम लोग जब पहले रहते थे ना उसके सामने वाले घर में एक आंटी रहती थी, वो ना पागल है। मैं दिखाती हूँ, इतने सारे डॉग आ जाते हैं शॉप के पास, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई पनीर खिलाने आते हैं किसी को। क्या दशहरा का रिचुअल, गर्मा गर्म जलेबी आ चुकी है। ये देखो यहाँ बैठ के चाय पी रही है, ये भी चाय पी रहे हैं। मैं जलेबी टेस्ट करती हूँ कैसी है। ओ भाई इतनी गरम गरम। हमने मिस कर दी, रावण निकले लास्ट में बस। भाई भीड़ चेक करो, इतनी सारी गांव रिया कन्नू कहाँ रह गए? आगे रिया आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। इतना आशुतोष।
आशु दोषा में वी आई पी एंट्री दे रही है, बालकनी एंट्री है। बालकनी एंट्री हम लोग इस घर से देखते थे ना, हम बचपन से वहां से देखते थे। यहाँ भी नीचे लोग इतने खड़े हैं, दूल्हा भी आया है, रावण को देखने के लिए दूल्हा भी आया है, सीता से शादी। चल दे दो, चल दे दो, इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतना शोर मच रहा है, ये रिक्शा निकलने के लिए आ रही है। चलो भैया निकलने दो, निकल के जाओ, निकल जाओ भैया, जाओ जाओ लोग पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए, ये बनाए रखे भगवान की कृपा से हम 50वां साल आप सभी के सहयोग से मनाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग जाने दो इतने दो, बहुत बढ़िया, चलो भैया चलो जाने दो, बहुत अच्छा बहुत आनंद है, हर की राखी इस वर्ष भी आपका सहयोग हमें मिल रहा है, मैं सभी को विनती प्रार्थना करूंगा, कब तक हो गई, हेलो ये बानर किसका है, ये बानर बानर आपका जाने दो, आगे जाने दो, बहुत बढ़िया, जाति में जितना सामान रखा है सभी जाति वाले सामान को उतार करके जाएंगे, आगे बढ़ाओ भैया, बर्तन है बहुत बढ़िया, सहयोग बनाए रखेंगे, धक्का मुक्की ना करेंगे, जो काम बताओ वही बनाएंगे, ट्रैफिक को चलने दे, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने दे, आम आदमी ना पहुंचे, चलो जी भूखा कार्यक्रम करने का तैयारी करो भैया, चालक साहब मन लगाना, रवि कपूर जी से विनती प्रार्थना कि 2 मिनट के अंदर अंदर, देखो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, धक्का मुक्की ना करें, शांत बनाए रखे, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर रामायण मंदिर के हमारे देश में चली कर रहे हैं, चले चल रहे हैं, चले चल रहे हैं, एक भी दशहरा देखने के बाद आ गए बिब्बी के घर पे, बिकॉज बिब्बी का घर पास ही है, राजा पार्क में ही रहती है ना बिब्बी, राजा पार्क बोले, पार्क राजा पार्क बोले मैंने, ये रे पापा बैठे हैं, वो रे बिब्बी बैठी, मतलब अपने पापा खुद लेट गए, बिब्बी को कुर्सी में बिठा दिया है ना, मैंने किया है
इसको देखो इडियट को, वो इडियट की माँ पीछे, ये इडियट, ये इडियट की माँ, ये इडियट, ये इडियट की माँ, ये इडियट, ये इडियट की माँ, दोनों इडियट। पता चले आज हम सबसे बड़े इडियट हैं। उसने कहा कि दोबारा दशहरा देखने आएगी तो भूल जाएगी। भूलेगी थोड़ी। भाई याद रखेगी ना। आपका ये अलग दिमाग चलता है एकदम पुट्ठा मम्मी। याद रहेगी नहीं इसका लड़की को वही गाल है दीदी को। आ गई अब नीचे हम जा रहे हैं घर क्योंकि हम जाएंगे बेलपूड़ी गोलगप्पे टिक्की खाने। खाना हमने ऑर्डर कर दिया सीधा घर पहुँचने वाला है खाना भी। सो बिबी आई नहीं बालकनी में बाय बोलने। दशहरा स्पेशल टिक्की छोले ट्राई करने आए हैं हम। करा ली हमने टिक्की पैक और अब हम खाएंगे गोलगप्पे। यहाँ क्या मिल रहा है? चाउमीन। अब पूरी रोड खाली हो गई, पहले कितनी भरी हुई थी ना। खाने आ रही है चाउमीन। बलूदे वाला नहीं है क्या यहाँ पे? बलूदे वाला नहीं है यहाँ पे? आ गया गोलगप्पे वाले पर इतनी भीड़ है भाई, पर हम खाएंगे अब गोलगप्पे। कितने के? 80 60 तो 60 रुपये ठीक है। खुशी कैसे है? हेलो रात को 9:30 हम घर आ रहे हो तो हमें घर नहीं मिल रहा है ना। हमारी गलती है। तू जाने से पहले बता दे जाना मेरे को, मैं तो पूछ के जाती मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो आप तो चले गए थे। फोन कर मेरे को मेरा। मैं जा रही नहीं है। वो बैठे हैं दुकान पे, उनको नहीं पता था तू कहां गया हुआ। उनसे पूछा मैंने पापा से, मैं कर लूंगा, मुझे नहीं पता। क्यों कितनी मेरे को पता था तेरी कुछ भी क्यों तू इतना बड़ा लौंडा होगा। 25 साल का होगा तू लड़का, कोई 15 साल का है नहीं, अभी गिट्टा भर गया है नहीं, वो निकल गया अपना। बताओ यहाँ हम जाते नहीं है। 20 21 21 साल के रिया देख 24 25 साल की हो गई है, वो नहीं जाती। तू चले जा आज के बाद, तू नहीं जाएगा बस। आधे घंटे से ज्यादा तूने कहीं नहीं जाना बस। तू आधे घंटे बाद मेरे को घर पे बात दिखेगा, नहीं तो तू कहता था मैं आने जाने तेरा बिल्कुल बंद कर दूंगी। 24 क्यों ना, कहीं नहीं जाएगा तू। अच्छा तो मैं कौन सा 21 भाई क्यों आगे हमारा खाना बाहर से मैंने मंगाई है सोया चाप और दाल। कैसी है सोया चाप और दाल? है चाप अच्छी है? अच्छी नहीं है मतलब? अच्छी चाप कहाँ से मिलती है? नानी बनाती है बहुत अच्छी चाप।